नमस्कार साथियों, एक बहुत ही ज़्यादा दुख की खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई। वो ये कि एक चौधरी राजीव पटेल नाम के युवक थे, नौजवान थे, उन्होंने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली अपनी। वो बस्ती के रहने वाले थे और छोटा आघाड़ा क्षेत्र में प्रयागराज में वो रहते थे, परीक्षा की तैयारी करते थे, सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। लेकिन उन्होंने 12 सितंबर को पंखे से लटक करके आत्महत्या उन्होंने कर ली। उनकी तस्वीर देखा, उसमें वो लटके हुए थे, शरीर झूल रही थी उनकी और टी शर्ट पहने हुए थे। वो छवि देखने के बाद, वो तस्वीर देखने के बाद दिल में एकदम जैसे तकलीफ हुई कि ये क्या हो रहा है देश में। उसने अपना सुसाइड नोट भी लिखा था, उस सुसाइड नोट में क्या था उसको भी पढ़ के बताते हैं। पूजनीय बड़े पिताजी और मेरी माता जी, आप लोग मुझे माफ़ करना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग भी मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों का बड़ा भाई अच्छे से नहीं बन पाया। मेरे प्रिय मित्र श्री प्रकाश वर्मा, नरेंद्र चौधरी एसआई, संजय चौधरी, ज्ञान प्रकाश चौधरी, दिलीप चौधरी, लक्ष्मी नारायण वर्मा, अनिल वर्मा, ध्रुवचंद्र चौधरी, राजन चौधरी, पवन यादव, प्रेम जी यादव, देवेंद्र यादव आरआई, राम सेवक यादव, पंकज सोनी, मेरे बड़े भाई राजेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी, आशीष वर्मा, विक्रम बड़े भाई, शैलेंद्र प्रताप वर्मा, आप लोगों से ये मेरी अंतिम इच्छा है कि आप लोग मेरे पूरे परिवार का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं आज जो भी कर रहा हूँ अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, अतः आप लोग मुझे माफ़ करना। नीचे अपना हस्ताक्षर है राजीव, 12 सितंबर 2020। ये 12 सितंबर 2020 को पंखे से लटक करके आत्महत्या उन्होंने कर ली। लेकिन एक इस पर कुछ लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से उसने ऐसा किया। असफलताएं जीवन में मिलती रहती हैं, ये ज्ञान देने वाली बात नहीं है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन जीवन में असफलताएं मिलती रहती हैं। आज जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की टॉपर हैं, अनुज नेहरा नाम है जिनका, हरियाणा पानीपत से, वो 2014 से ही यूपीएससी आईएएस की तैयारी वो कर रही हैं। 2-3 अटेम्प्ट उन्होंने दिया, वो असफल रही उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत किया और पीसीएस में फर्स्ट रैंक वो लेकर के आई। असफलता सभी के हाथ में लगती है। जो आज पीसीएस की टॉपर है वो भी यूपीएससी का प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाई, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। ऐसे ही सभी के जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी असफलताएं आती हैं, लेकिन जीवन सिर्फ आईएएस पीसीएस या सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं रहती है, वो उससे आगे बढ़ कर के हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर हो सकते हैं जिनका हम उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उस चीज़ की जागरूकता, उस चीज़ का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से होना चाहिए कि एक विद्यार्थी को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज हिंदुस्तान में 30-30 साल का, 35-35 साल का व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहा है। वो 22 साल का, 25 साल का है, अपने घर से जब तक उनके पापा 2,000-3,000 रुपये ना भेज दें तब तक उनका काम नहीं चल सकता। ये परंपरा हो गई है कि हमारे देश में परिवार से जब तक पैसे ना मिल जाए तब तक उनकी पढ़ाई नहीं चल सकती। बचपन से ही इस प्रकार का शिक्षा दिया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा प्रणाली में खामियां हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन पाता, बेरोजगारी के कारण वो अपना आत्महत्या तक की कदम उठा लेता है। और इसमें एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था राजीव की फ़ोटो और उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखा था, उसके नीचे बगल में वह तस्वीर लगाई हुई थी जो उसने फांसी के फंदे से लटका हुआ था, शरीर लटकी हुई थी, वो फ़ोटो उसने लगाया हुआ था अपने स्टेटस पे। एक चैनल है, मीडिया चैनल है, उसमें 2 मिनट की वीडियो में उन्होंने पूरा उसके जो फांसी से लटका हुआ है उस क्लिप को बार 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 रिपीट कर रहे थे। ये थोड़ा सा
सोचने वाली बात है। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे पूछा कि सर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उसके जो तस्वीर है उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे या उस तस्वीर को वीडियो के माध्यम से अगर शेयर किया जाता है तो क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो उन्होंने कहा कि ये इलीगल नहीं है। मैं कहा सर जी अगर ये इलीगल नहीं है तो क्या ये मोरल है या इमोरल है। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते कि ये मोरल है कि इमोरल है, लेकिन मेरा निजी ओपिनियन ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने आत्महत्या अपनी कर ली है तो जो लटका हुआ उसका शरीर है, लटकी हुई बॉडी है, या उसको उतार दिया गया है नीचे, उसके बाद ली गई उसकी तस्वीर है, उस तस्वीर को कृपया करके उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा मत कीजिए। किसी के घर का चिराग बुझ गया है और वो आत्महत्या कर लिया है और उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करे जा रहे हैं, मीडिया पर उसके फोटो का वीडियो बना करके वीडियोग्राफी उसकी की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग IAS के तहत तैयारी कर रहे हैं, बड़े अफसर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग ऐसे फोटो को कैसे शेयर कर सकते हैं। उनके दिल में क्या ये कचोट नहीं आती कि एक मृत शरीर लटका हुआ है, वो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर ये इलीगल है तो कम से कम ये इमोरल तो है ही। अगर ये इलीगल नहीं है उसके मृत शरीर को शेयर करना, लेकिन क्या ये मोरल है? अगर उसके फोटो शेयर करनी है, उसके सुइसाइड नोट को शेयर करना है तो उसको शेयर कीजिए, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपना सुइसाइड नहीं किया था, सुइसाइड के पहले वाला अगर कोई उसकी फोटो है, जो कि फेसबुक पे मैंने देखा उसके सुइसाइड के पहले वाला भी फोटो उपलब्ध है, उस फोटो को लेकर के, सुइसाइड नोट को लेकर के उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति के मृत शरीर अगर लटका हो उसका फोटो शेयर करना, उसका वीडियोग्राफी बनाकर शेयर करना, ये निहायती अपराध है। ये अपराध है एक तरीके से। जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, अब पता नहीं वो मृत्यु है कि सुइसाइड है क्या है नहीं पता, अभी जांच के दायरे में है वो, जब उनको लिटाया गया था उनके बिस्तर पे, तो वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया था। अब जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, IAS अफसर तैयारी कर रहे हैं, वो उस फोटो को उठा करके, जो व्यक्ति मृत हो गया है, डेड बॉडी है उसकी, उस फोटो को उठा करके सोशल मीडिया पर शेयर करे जा रहे हैं। इस प्रश्न का कृपया करके जवाब दीजिए कि क्या ये बात सही है कि अगर किसी मृत शरीर है, कोई डेड बॉडी है, कोई लटकी हुई बॉडी है, उसका फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाल देना, क्या ये बात सही है? और राजीव ने अपने सुइसाइड नोट पर अपने मित्र के बारे में चर्चा की, मेरे प्रिय मित्र कृपया करके मेरे परिवार के बारे में बहुत सारे नाम लिखे हैं, मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा। तो मित्रों से भी ये गुजारिश है कि अगर किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आता है आपके पास तो उस फ़ोन को इग्नोर मत करिए, अगर किसी का मैसेज आता है तो उस मैसेज को इग्नोर मत करिए। हो सकता है वो उस व्यक्ति का आखिरी मैसेज या आखिरी कॉल रहा हो जो आपके पास आ रहा था, आप उसको उठा करके उसको मोटिवेट कर सकते थे उस समय जिस समय वो अंतिम कॉल आपके पास कर रहा था। तो किसी के भी टेक्स्ट को, व्हाट्सएप मैसेज को, फेसबुक मैसेज को, या किसी प्रकार के जो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कॉल जैसे किया है, तो उस कॉल को कृपया करके इग्नोर मत कीजिए, उस कॉल को उठाइए ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अंतिम क्षण पे आपके पास फ़ोन कर रहा हो कि इसके पास हम फ़ोन करके अपनी बातें बता सकें। अगर उस व्यक्ति ने भी फ़ोन नहीं उठाया और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया तो फिर पछताए कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करनी थी। आप अपनी राय बता सकते हैं कि क्या मृत शरीर का फोटो शेयर करना मोरल है या इमोरल है। दिल पे हाथ रख करके, अपने आप उस स्थान पर रख करके, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार की किसी व्यक्ति को उस स्थान पर रख करके
तब जवाब दीजिएगा। नमस्कार।